तो पोकेमोन अल्टीमेट जर्नी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सेलपोर्ट सिटी से, जहां गो और हॉरेस की मुलाकात होती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां गैरी की एंट्री होती है और गैरी गो और हॉरेस से कहता है आज एश का फाइनल एट टूर्नामेंट है। इसके जवाब में गो गैरी से कहता है हाँ पता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टूर्नामेंट एश ही जीतेगा। और इसके बाद हॉरेस कहता है हमें जल्दी चलना चाहिए, प्रोफेसर इंतजार कर रहे होंगे, और ऐसा कहकर ये तीनों प्रोफेसर की ओर चल देते हैं। इसके बाद सीन एश और पिकाचू पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं एश और पिकाचू टूर्नामेंट वाले स्टेडियम के बाहर खड़े होते हैं और टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट से हमें पता चलता है ये पोकेमोन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज मास्टर 8 टूर्नामेंट का टॉप फाइनल राउंड है और इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के चैंपियंस एक साथ लड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं और जो पोकेमोन ट्रेनर अपने 6 पोकेमोन्स के साथ मिलकर अपने सभी अपोनेंट को हरा देता है वही इस टूर्नामेंट का विनर होता है। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं एश अपने पोकेमोन को होने वाली फाइट के लिए इनकरेज करते हुए कहता है ये टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे और अब एश और उसके पोकेमोन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एश के अपोनेंट लियोन पर, जहां लियोन बताता है कि वो इस टूर्नामेंट को लेकर थोड़ा नर्वस फील कर रहा है पर ये उसके लिए अच्छी बात है। साथ ही लियोन ये भी कहता है कि आज उसे अपनी लाइफ की फर्स्ट पोकेमोन फाइट याद आ रही है। और इन सब के बाद अब फाइनली टूर्नामेंट शुरू होने ही वाला है, जहां हम देख सकते हैं ऑडियंस फाइट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एश की फ्रेंड्स डॉन और क्लोई भी अपने पोकेमोन्स के साथ एश को चीयर करने के लिए वहां मौजूद है। साथ ही स्टेडियम में हम देख सकते हैं टीम रॉकेट भी प्रेजेंट होती है और टीम रॉकेट का प्लान तो तुम्हें पता ही है पोकेमोन को पकड़ना, जिसमें वो आज तक कभी कामयाब नहीं हो पाए और यहाँ भी म्यों सबसे पावरफुल और परफेक्ट पोकेमोन को पकड़ने का प्लान बनाता है। और अब फाइनली मैच की अनाउंसमेंट के साथ एश जो फाइनल टूर्नामेंट की सेकंड पोजीशन पर है वो ग्राउंड में एंट्री लेता है, जिसे देखकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एश के लिए चेयर भी करती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एश मैच के दौरान पोकेमोन्स की पावर को एनहांस करने के लिए डायनामिक्स बैंड, मेगा एवोल्यूशन और जेट मूव जैसे गैजेट्स को यूज करने वाला है। और एश के बाद एंट्री होती है एश के अपोनेंट लियोन की, जो मास्टर 8 में नंबर 1 पे रैंक करता है। और यहाँ हम देखते हैं लियोन का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में लियोन का छोटा भाई भी मौजूद है। अब एश और लियोन जब आमने सामने होते हैं तब लियोन एश से कहता है देखो आज हमारी दोबारा मुलाकात हो गई, और इसके रिप्लाई में एश कहता है हाँ पर इस बार हम बैटल ग्राउंड में है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेफरी मैच शुरू करने के लिए आता है और लियोन और एश दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है जो पोकेमोन ट्रेनर अपने अपोनेंट के 6 पोकेमोन को हरा देगा या फिर जिस ट्रेनर का पोकेमोन लड़ाई करने के लिए कैपेबल नहीं होगा वो ट्रेनर ये मैच हार जाएगा। साथ ही रेफरी ये भी कहता है दोनों ट्रेनर कभी भी अपनी पोकेमोन को बदल सकते हैं और पूरे मैच में सिर्फ एक बार ही जेड मूव्स, मेगा एवोल्यूशन और डायनामिक्स बैंड का यूज कर सकता है। और तभी लियोन रेफरी को रुकने के लिए बोलता है और कहता है इन सब का सिर्फ एक बार यूज करना अब बोरिंग हो गया है और ये फाइनल मैच है, तो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों चीजों का हर एक पोकेमोन जितनी बार चाहे यूज कर सकता है, जिससे पोकेमोन अपनी फुल पोटेंशियल में फाइट कर सके और ऐसे हमें पोकेमोन्स की एक पावरफुल फाइट्स देखने को मिलेगी। और बस इतना सुनते ही ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जोर जोर से लियोन को सपोर्ट करती है। और ऑडियंस का इतना क्रेज देखकर वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के जो हेड होते हैं वो लियोन के इस सजेशन को मान लेते हैं और साथ ही एश को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब फाइनली मैच शुरू हो जाता है और एश सबसे पहले फाइट के लिए पिकाचू को चुनता है और इसके अपोजिट में लियोन सिंड्रेंस को लड़ाई के लिए चुनता है। सिंड्रेंस और पिकाचू दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एश पिकाचू को पहले अटैक करने के लिए बोलता है और पिकाचू सबसे पहले थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है। इसके जवाब में लियोन सिंड्रेंस को स्कोरिंग सेंड मूव यूज करने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू के थंडर बोल्ट मूव का सिंड्रेंस पर कोई असर नहीं होता है और एश को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जो रेफरी होता है वो बताता है स्कोरिंग सेंड एक ग्राउंड टाइप अटैक है जो पिकाचू के अगेंस्ट यूज होता है, इसलिए पिकाचू के थंडर बोल्ट अटैक का सिंड्रेंस पर कोई असर नहीं होगा। और तभी लियोन एश को लिवरो एबिलिटी के बारे में बताता है और कहता है जब सिंड्रेंस अटैक करता है तो वो उसी टाइप का हो जाता है जिस टाइप का अटैक हुआ है, मतलब अब सिंड्रेंस एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। और बस इतना सुनते ही एश पिकाचू को वापस बुला लेता है और एश को ऐसा करता देख लियोन भी सिंड्रेंस को वापस बुला लेता है। इसके बाद लियोन लड़ाई के लिए इटेलियन को चुनता है जो एक वाटर टाइप पोकेमोन है और एश घोस्ट टाइप पोकेमोन जेंगार को चुनता है। और फाइट शुरू होते ही लियोन इटेलियन से स्नैपशॉट अटैक यूज कराता है और एश जेंगार से शैडो बॉल अटैक, पर इटेलियन जेंगार के शैडो बॉल अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। इसके बाद इटेलियन डार्क पल्स मूव यूज करता है जिसे एश जेंगार से डॉच करने के लिए कहता है। फिर लियोन इटेलियन से एक्वा जेट मूव यूज करने के लिए बोलता है और इस मूव को देखकर एश थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर एश को पता चलता है ये वही मूव है जो पिकाचू ने सेमीफाइनल्स में यूज किया था। और लियोन एश को बताता है ये बहुत ही अच्छा मूव है इसलिए मैं भी इसे ट्राई कर रहा हूँ, पर एश को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इटेलियन के इस नए अटैक को जेंगार होल्ड नहीं कर पाता है जिससे जेंगार थोड़ी मुश्किल में
आ जाता है और लियोन एस को चढ़ाते हुए बोलता है, अब कैसा फील हो रहा है। इसके रिप्लाई में एस जेंगार से विल ओ बिस्प अटैक यूज करने के लिए कहता है और ऐसे जेंगार इटालियन के एक्वाजेट अटैक को रोक लेता है। फिर एस जेंगार को वापस बुला लेता है और डायनामिक्स बैंड की हेल्प से जेंगार जायंटमैक्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसे देखकर लियोन इटालियन से स्नैपशॉट यूज करने के लिए कहता है, जिसके जवाब देने के लिए जायंटमैक्स अपने स्पेशल इफेक्ट जी मैक्स टेरर अटैक यूज करता है और इन दोनों की अटैक एक दूसरे को हिट करती है, जिससे इन दोनों को ही थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है। और जेंगार के इस जी मैक्स टेरर अटैक को देखकर रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है, लियोन को अपना पोकेमोन रिप्लेस करने की जरूरत है। पर लियोन किसी की नहीं सुनता और इटालियन को डार्क पल्स अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जिसके जवाब में जेंगार मैक्स ओजे गो यूज करता है। पर इटालियन इस अटैक को डॉच कर सीधा जेंगार के मुंह के अंदर अटैक करता है, पर इससे जेंगार को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जेंगार का मैक्स ओजे गो अटैक सीधा इटालियन को हिट करता है, जिससे इटालियन नॉकआउट हो जाता है और जेंगार वापस अपने नॉर्मल साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फाइनली इस राउंड का विनर जेंगार बन जाता है और इस फाइनल टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड को एस जीत जाता है। वेल, इस राउंड को हारने के बाद भी लियोन का कॉन्फिडेंस बरकरार होता है और फिर लियोन जेंगार के अगेंस्ट यूज करता है मिस्टर राइम को, जो कि एक आइस और साइकोटिक टाइप पोकेमोन है, और फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहां एस जेंगार को स्लज बॉम्ब यूज करने के लिए कहता है और लियोन मिस्टर राइम से आइस ड्राई अटैक करने के लिए कहता है। पर मिस्टर राइम पे जेंगार के इस अटैक का कोई असर नहीं होता, लेकिन मिस्टर राइम अपने अटैक से जेंगार को बर्फ में जमा देता है और फिर राइम जेंगार पे साइकिक ट्रेंस मूव का अटैक करता है, जो जेंगार को बैडली इफेक्ट करता है। और एस जैसे ही कुछ समझ पाता, लियोन राइम से एक्सपेंडिंग फोर्स अटैक यूज करने के लिए कहता है और राइम के इस अटैक को जेंगार सर्वाइव नहीं कर पाता, जिससे अब जेंगार लड़ाई नहीं कर सकता और नॉकआउट हो जाता है। और ऐसे इस बार जीत मिस्टर राइम की होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें इसके नेक्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, और अगर तुम लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।